देखिए आप दोनों सुने तो नहीं नहीं आप चले जब हम चले ब्रो सड़कों पे सीख के हम सड़कों पे ही बने ब्रो हम स्वीट साइड ला रिश्ता ये है चीज है मेरे को खुदा तू बस से तो यार आई चीज है तेरे हम मने तू सब सी है तो भाई किधर गायब है सारे। आज मैंने जिंदगी में वेरी फर्स्ट टाइम कराची ईट जाने का फैसला कर ही लिया है। कराची ईट अकेले तो जाया नहीं जा सकता ना यार, मेरी कुछ दोस्त हैं जो मेरा इंतजार कर रही हैं, तो यहाँ पर व्लॉग भी स्टार्ट होता है और मेरे साथ रहे। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो यार कराची में तो ठंड है, ये तो आपको मालूम ही होगा। उसके बावजूद मैंने हाफ स्लीव्स क्यों पहनी है यार? हाफ स्लीव्स मैंने इसलिए पहनी है, ये एक पीआर पैकेज आया हुआ था, डाउन शोल्डर जो आजकल चल रही थी, कैफी खलील भाई ने हमारी जो इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो बस वो मैंने वेयर कर ली है। तो चलते हैं, अगर ठंड लगेगी तो जैकेट भी मैंने ले ली है, वेयर कर लेंगे। कराची ईट में लोगों को पार्किंग भी नहीं मिलती है और भाई बहुत रश होता है, बहुत ही कोई मसले मसाइल होते हैं, लोग खिड़कियां तोड़ देते हैं, दरवाजे तोड़ देते हैं, दीवारें तोड़ देते हैं। आज देखता हूँ मैं क्या कुछ अनोखा करके आता हूँ कराची। मुझे जिंदगी भर कहते थे ना अली भाई आप लेट आते हो, आज हाँ क्या हुआ? मैं लेट नहीं आया, मैं आपके मुंह पर रहा ना। लेट्स गो। मतलब आप जिंदगी में कभी पहुंच सकते हो टाइम पर? दिखाओ। नहीं भाई तरीका ही नहीं है। मैं केस कर रहा हूँ, तमाम कार वालों के ऊपर केस कर रहा हूँ और ये कार बंद कर रहा मैं, पैदल चलेंगे सब। यार ये कोई तरीका थोड़ी होता है, इतनी ट्रैफिक है, सबके सब गाड़ियां लेकर निकल गए। मैं भी तो गाड़ी पर कुछ ऐसा मैंने चौड़े में पहन तो ली थी डाउन शोल्डर ना, लेकिन जब मैं थोड़ा सा सी साइड की तरफ आया ना तो मुझे ठंड वाली वाइब आने लगी, तो फौरन मैंने आपको बोला था कि मैंने जैकेट भी रखी है, फौरन मैंने पहन ली। चलो यार कब पहुंचेंगे हम कराची ईट? मेरे साथ जो है मैं दिखा नहीं सकता, मेरे नसीब में ट्रैफिक ना हो ऐसा कोई सफर ही नहीं है। बस यहाँ तो ऐसा रश हुआ हुआ है, यहाँ तो हमारे कॉन्सर्ट से भी ज्यादा रश हुआ हुआ है, मतलब पार्किंग ही नहीं है। लोगों का रश तो देखो, हुजूम देखो, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ यार क्या बोलूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं ये बात कहता हूँ कि सारी दुनिया के लिए पार्किंग है, हमें पार्किंग भी मिल गई और हम अंदर भी जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। अंदर गेट पर एंट्री करनी है, गेट नंबर 3 पर मेरी एंट्री है, तो बस वहाँ जाना है। अरे भाई इतना रश है कि ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ फ्री पड़ रहा है, अंदर कोई ठंड नहीं लग रही। ये मनाजिर है यहाँ के भाई, ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब यहाँ कुछ फ्री पड़ भाई। इतना भी रश कहीं होता है क्या यार? मैं कल भी आया हूँ, कल इतना रश नहीं था लेकिन आज बहुत। आज भाई ऐसे ना यार वाकई बहुत मुश्किल है भाई यहाँ आना। अबे ये तो फेक हो गया। कैसे आप? कहाँ गए हैं आप? स्टार बने हुए आप तो, पूरे वो लग रहे हैं शाहिद कपूर हैं। ठीक है, कहाँ गए हैं यार? आप लोग पूछ रहे होंगे कि मैंने मास्क क्यों लगाया। असल में ऐसा है कि कुछ लोग मुझे पहचान गए और वो जब पहचानने के बाद का जो रिएक्शन देते ना वो मुझे बहुत यार मेरा मूड है ये चीज ट्राई करने का। आप बोल रहे होंगे मैं कहाँ हूँ भाई, मैं इस वक्त उस जगह पर जहाँ पर हर इंसान की आना मजबूरी है। बस भाई बात है, खुश हैं आप? कीजिए
असली है, जो भी नजर में वो नकली है, ये तेरी हसल नहीं रख ली है, ये बात मैंने लिख के रख ली है कि बॉय से ट्रेंड, इसमें कोई शक नहीं है। ये Everybody, ये तेरी हसल नहीं, पॉकेट फुल ऑफ ड्रीम्स, अपने सारे ख्वाब पड़े, ये रियल है जैसे मतलब अल्लाह तबारक व तआला जब इज्जत देता है ना तो ऐसे ही देता है। मैं आपको अल्फाज में बता नहीं सकता, आपने वीडियोस शॉर्ट्स में देख लिए होंगे। ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और बस मैं बाहर निकला हूँ और गाड़ी के पास अंदर गया था गाड़ी खड़ी करके। अल्हम्दुलिल्लाह यार। राजी भाई कैसा लगा फिर? यार मैं उस रब्बे करीम का कितना शुक्र अदा करूँ, आप बताएं आपको कैसा लगा? अल्लाह पाक ने आपको बहुत इज्जत दी है यार। मतलब आपको लग रहा था कि आप मतलब के तलन जिम के पास स्टेज पर जाकर सुनेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। यार ये बहुत मजा आया, मेरे रब का एक वो है और आज बड़े ब्लॉगर मोरो से भी मिला मैं यार। ही इज अ नाइस पर्सन यार, वेरी गुड यार, ये बात मजा आया यार। मजा यहाँ पर ब्लॉग एंड होता है यार। आज मेरी जिंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था कॉन्सर्ट को ज्वाइन करना, ईट को ज्वाइन करना, कराची ईट को। अच्छा लास्ट टाइम का जो सिनेरियो था वो मेरे जहन में चलते हो रहा था, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हुए, बट ऑल ओवर बहुत अच्छा रहा। और यू नो कि यार आपको पता है जहां पर तला अंजुम तला यूनुस YS जहां पर होते हैं तो वहां पर वाइब तो आती है। बहुत शुक्र अदा करूंगा कि यार लोग मतलब क्राउड जो थे क्राउड के एरिया में थे क्योंकि वो उनका एरिया है। मैं एक आर्टिस्ट खुद हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज पता चला कि यार आर्टिस्ट की क्या इज्जत होती है। तो मैं क्राउड में नहीं था, मैं बैक स्टेज पर था और जब तला वगैरह परफॉर्म कर रहे थे, तला अंजुम वगैरह परफॉर्म कर रहे थे तो बिल्कुल मैं उनके सामने था। तो ये अल्लाह का बहुत शुक्र है मुझ पर। मैंने बहुत बड़े 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 यूट्यूबर्स व्लॉगर इन्फ्लुएंसर्स को वहां पर खड़ा देखा क्राउड में, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्कुल टफ तला अंजुम और तला यूनुस था, अहमद गोडेल एंड मोरो से मिलकर बहुत अच्छा लगा कि भाई यार इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो भाई यहाँ पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलना यार। समझ रहे ना मेरी बात?